हूं, लेकिन प्रियंका जी आपसे पूछना चाहती हूं। 2014 अगस्त में एक स्टेटमेंट आया था मोहन भागवत जी का, सरसंघचालक हैं, 10 अगस्त को उनका स्टेटमेंट आया था और उन्होंने एक कोरोलरी बनाई थी और उन्होंने कहा इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश कहा जाता है, जर्मनी के लोगों को जर्मन कहा जाता है, यूएसए के अमेरिकन्स होते हैं, तो हिंदुस्तान के लोगों को हिंदूज क्यों नहीं कहा जाता। और मोहन भागवत जी के इस स्टेटमेंट से बाला साहब ने बिल्कुल अपनी सहमति दिखाई थी और जताई थी सामना के द्वारा। आज प्रमोद कृष्णम को प्रॉब्लम है कि आरएसएस इसलिए धिक्कारी जानी चाहिए क्योंकि वो एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, पर उनके विचार और बाला साहब के विचार में तो कोई फर्क नहीं है। तो आप क्या कहेंगे आज प्रमोद कृष्णम से? नहीं, मैं मुझे किसी को यहाँ पे मैं किसी को ज्ञान बांटने नहीं आई हूँ, मैं अपनी पार्टी का तर्क देने आई हूँ और मेरी पार्टी इसमें बहुत स्पष्ट है। अब आप नेपाल को देख लीजिए, नेपाल भी हिंदू राष्ट्र है, हमारा देश भी हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र किस तरीके से है, जहाँ पे 80% से ज़्यादा अगर आबादी है तो हिंदुओं की है, फिर भी हम लोगों ने उसको हिंदू राष्ट्र ना बनाकर एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया और उसका सम्मान करना मैं मानती हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये समझने की जरूरत है कि किसी में इस तरीके की कट्टरपंथी सोच, जो तालिबान ने एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट सोच है, उससे कंपैरिजन करना, उससे तुलना करना, मैं मानती हूँ कि सारे ही हिंदुओं को आप क्षति पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैंने किसी एक संगठन विशेष को नहीं कहा है, मैं देश के आप कोई भी संगठन ले लीजिए, किसी भी संगठन को आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो एक आतंकी सोच रखते हैं या एक आतंकी माहौल बनाने का काम करें। और जब जब अगर ऐसे संगठन उभरे भी हैं तो यही देश की जनता है जिन्होंने उनको नकारा है, उनको हराया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ प्रियंका चतुर्वेदी जी, प्रियंका चतुर्वेदी बार बार बोलती रहूंगी। मेरी फैक्ट चेक टीम एक आपके एक वाक्य से शायद सहमत नहीं है, उनका कहना है और वो चेक करना चाह रहे हैं कि आपने कहा नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, इस पर सॉरी टू से फर्स्ट ओवर में आपका लाइट डिटेक्टर टेस्ट होगा क्योंकि नेपाल ने शायद हमारी फैक्ट चेक टीम कह रही है कि नेपाल सेक्युलर है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। That's what I'm trying to tell you, Navika. दोनों देशों का मैंने कहा, दोनों में हिंदू पॉपुलेशन है, दोनों इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिंदू मेजोरिटी, तो दोनों देश में हिंदू मेजोरिटी है, पर दोनों देशों ने एक सेक्युलर संविधान अपनाया है। That's what I'm trying to tell you. अब आप अमेरिका में देख लीजिए क्रिश्चियनिटी है, आप यूरोपियन नेशन में देख लीजिए क्रिश्चियनिटी है, आप इस्लामिक रिपब्लिक के बहुत सारे देश हैं, पर ऐसा कोई आप नहीं कह सकते हैं कि हिंदुओं ने दूसरे धर्मों को नकार कर सिर्फ अपने धर्म को सबसे ऊपर रखा है। इसका सम्मान करना सबको बहुत जरूरी। बहुत अच्छी बात आपने कही प्रियंका चतुर्वेदी जी, और मैं शहजाद पूनावाला को इस डिबेट में अंदर लाना चाहूंगी। शहजाद पूनावाला, मैं भी जावेद अख्तर फैन हूँ और डाई हार्ड फैन हूँ, उनके ऐसे ऐसे गीत हैं जो शायद मेरे टॉप प्लेलिस्ट में होंगे, सिलसिला का ये कहाँ आ गए हम हो, या हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, कौन कौन कह सकता है कि उनकी सोच उनके अल्फाज में कहीं भी कोई इस तरह की कट्टरपंथी होगी, कभी भी नहीं। जावेद अख्तर को मैं जोड़ती हूँ ऐसे गानों के साथ जहाँ संदेशे आते हैं, हमें हमें तड़पाते हैं ये कि तुम कब आओगे। अब ऐसी सोच रखने वाले जावेद साहब जो इतने खूबसूरत गीत लिखते हैं, आज उनकी सोच में आरएसएस और तालिबान एक सी कैसे हो गई? और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि किंतु परंतु वो फैनेटिसिज्म के अगेंस्ट है, लेकिन हम ये इस वाक्य से नहीं रखते, पर आरएसएस तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है इसीलिए हम उससे खफा रहते हैं। तो नाविका जी, इसके अलावा जावेद अख्तर साहब ने ये भी गाना लिखा है, पल पल है भारी विपदा वो आई, मुहे बचाओ मुरे बुराई, तो ये भी गाना उन्हीं का लिखा हुआ है। पर सवाल आज गाने की नहीं है, सवाल सोच की है और सोच किस तरीके की होती है। देखिए, आज दुनिया भर में तालिबान एक तरीके से किस तरीके की विचारधारा से वो पनपा है, और वो विचारधारा एक ही है जो
57 देश में आप देख सकते हैं, कोई भी देश जहां पर शरिया है वहां पर ना लोकतंत्र है और ना वहां पर एक तरीके से सौहार्द बना हुआ है और इसी का है। पर तालिबान का क्रूर चेहरा किस तरीके से इस पर लीपापोती की जाए, इसके लिए एक मंडली हमारे देश में पूरी तरीके से एक्टिव है। मैं उनको कहता हूं तालिबान पीआर गैंग, एक तालिबान विद गन है और एक तालिबान विद माइक है। ये माइक के साथ जो तालिबान बैठा हुआ है वो बार बार तालिबान के क्राइम्स को व्हाइट वॉश करने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास करते रहता है। उन्होंने कहा पीसी कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तालिबानियों ने, तालिबानी आइसक्रीम खा रहे हैं, तालिबानी तो बहुत अच्छे हैं। आज मुझे बड़ा सुख हुआ, अच्छा लगा कि प्रियंका जी ने, उनका कहने का मतलब मुझे लगता है उन्होंने हिंदू प्रकृति है नेपाल की भी और भारत की भी, ये बात में मैं उनसे एग्री करता हूं। पर उन्होंने एक और अच्छी बात कही कि हिंदू भावनाओं को आहत किया है जावेद अख्तर के बयान ने। मैं पूरी तरह से सहमत हूं उनके पूरी बात से। मैं उनसे केवल एक चीज पूछना चाहता हूं क्योंकि खुद मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं, कि अगर आप भी सहमत है कि हिंदू भावनाएं आहत हुई है तो अभी तक उनको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया क्यों नहीं हुई? नारायण राणे ने केवल मुख्यमंत्री को कुछ कहा और मैं उससे पूरी तरह से विरोध करता हूं, उनको तो गिरफ्तार लगा एक घंटे में कर दिया था। तो आज 150 करोड़ पूरे दुनिया के, विश्व के हिंदुओं की जो एक तरीके से भावनाओं को ठेस पहुंची है और भारत के हर एक नागरिक को ठेस पहुंचाने वाले बयान पर क्यों आज शिवसेना जैसी हिंदुत्व का दम भरने वाली पार्टी शांत है? क्या इसीलिए क्योंकि वहां पर उन्होंने सत्ता के लिए सिद्धांतों के साथ ऐसा सौदा समझौता किया है कि ना वो सावरकर पर कभी राहुल गांधी को बोल पाते हैं, ना वो राहुल गांधी जिन्होंने कहा कि हिंदू टेरर होता है, एलईटी से ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवादी संगठन होते हैं, चिदंबरम जो कि और दिग्विजय सिंह जो कि आचार्य जी के बहुत अच्छे मित्र है, आचार्य जी की सोच ऐसी नहीं है पर आचार्य जी के बहुत अच्छे मित्र है, सुरजेवाला वो ओसामा जी कहते हैं, ये सारे लोग जो इस तरीके के बयान करते हैं उनके साथ बाला साहेब ठाकरे की आत्मा को तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती होगी कि इन लोगों के साथ हमने केवल सत्ता पाने के लिए गठबंधन कर दिया। पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है, एक महाराष्ट्र का नागरिक, मराठी माणूस, मी मराठी माणूस आहे म्हणून मी तुम्हाला विचारतोय प्रियंका जी, मला सांगा की तुम्ही आतापर्यंत जावेद अख्तरांना अटक का केली नाही हे तुम्ही मला सांगा। तुम्ही नारायण राणेला एक केली प्रियंका चतुर्वेदी जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी आप मराठी मानुस को जवाब दीजिए, आहत है? नहीं, एक्चुअली मराठी मानुस की बात करते करते इन्होंने हिंदू धर्म की बात की, सब बात कही, इन्होंने कंपैरिजन किया नारायण राणे की अरेस्ट का इस अरेस्ट से। पहले तो इनको ये बेसिक लॉजिक समझा दूं, चीफ मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होता है और चीफ मिनिस्टर के बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, मैं उम्मीद करती हूं कि अगर प्रधानमंत्री के बारे में भी किसी ने कहा होगा तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में सेडिशन चार्जेस लगे हैं, शायद उनको ध्यान नहीं होगा क्योंकि इनका लॉजिक थोड़ा फ्लॉड है, बट आई विल नॉट गेट इन टू दैट। मैं आई विल जस्ट कम्प्लीट, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। उद्धव ठाकरे ने योगी जी को चप्पल मारने की बात की थी, आप बोल लीजिए। हाँ हाँ जी जी हाँ, अगर आप मराठी मानुस होते ना, जिस तरीके से आपने मराठी में मुझसे ये सवाल पूछा था, अगर आप सही दिल से मराठी होते और महाराष्ट्र के होते, तो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैच्यू पे अगर कोई माला डाल रहा होता जूतों के साथ, जूते पहने हुए, तो आप भी यही, आपकी मन में ये भावना उठती? 2018 का बयान जब वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पदवी पे नहीं थे, आप इससे कंपेयर करेंगे तो प्लीज मुझे मुझे आपसे डिबेट नहीं करनी है। एक मिनट शहजाद पूनावाला जी, एक मिनट, प्रियंका जी अपनी बात खत्म कर ले फिर आप बोले, एक दूसरे के ऊपर ना बोले क्योंकि फिर दर्शकों को सुनाई नहीं देता। तो प्रियंका जी जवाब दे रही है, पहले उन्हें जवाब दे लेने दीजिए। नहीं नहीं देखिए ऐसा है जी प्रियंका, मैं एक चीज, नविका अगर सवाल आप पूछेंगी मैं आपका जवाब दे सकती हूँ। कोई मोटिवेटेड सवाल पूछेगा 1947, 1847, 1978, फिर 1984, फिर 2004, 2009, 2018, वो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी बिकॉज आई थिंक इट इज अननेसेसरी डिविएशन फ्रॉम व्हाट वी आर डिस्कसिंग। व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और उस पर मैं डिस्कशन करने को तैयार हूं। रही बात दूसरा क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, किस तरीके से सरकार को बिहेव करना चाहिए, वो पार्ट हमें आकर टेलीविजन चैनल पे ये नहीं सिखाएंगे। मैं जानना चाहती हूं क्या आरएसएस के किसी व्यक्ति ने, आप भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़िए, आरएसएस के किसी व्यक्ति ने आपत्ति जताई है?
बल्कि आज शिवसेना जब आप दीजिए गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी आज आरएसएस के भी किसी व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन नहीं की है। अपनी बात आज भी हम खुली तरीके से और एकदम स्पष्ट तरीके से हिंदू के लिए खड़े हैं, हिंदू धर्म के लिए खड़े हैं। आज आरएसएस खुद अपने लिए नहीं खड़ी है, उसका मैं क्या जवाब दूं? चलिए अब मैं अपनी बात रखता हूं। नाविका जी, आपकी टीम ने शायद थोड़ा समय लगाया, मैं कह रहा हूं आप पहले तो लाल बत्ती जो है चमका दीजिए, क्योंकि फिर से झूठ बोला गया प्रियंका जी द्वारा। और तथ्य ये है, अपनी गलती को जस्टिफाई कैसे किया, इन्होंने कहा मुख्यमंत्री नहीं थे योगी आदित्यनाथ जी। 2018 में उद्धव ठाकरे जी ने ये शब्दों का प्रयोग अरे बाबा उद्धव ठाकरे जी की बात कर रही थी, मैं माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रही थी। थोड़ा अच्छा, समझना अच्छा, सीखिए भाई साहब, समझिए क्या बोल रही हूँ। हाँ बीच में मत बोलिए, कोई घबराइए मत, हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं नाविका जी जो स्पीकिंग एज अ सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र। नाविका जी अच्छा नहीं लगेगा, हमारी मित्र है, साथी है, ऐसे क्यों कर रही है? योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे, संवैधानिक पद पर थे, उनके लिए ये शब्द कहना उचित है क्या? गलत है, और इसको गलत कहना चाहिए था प्रियंका जी को, नहीं कह पाई। लेकिन बड़ी बात क्या है नाविका जी, यहाँ हो क्या रहा है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। आप याद करिए, पहले हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव कांग्रेस के हेडक्वार्टर में बना कि हिंदुओं के साथ तुलना कर दो उन आतंकवादी मुसलमानों की जो धर्म के नाम पे आतंकवाद फैला रहे। और याद करिए, शशि थरूर ने आविष्कार किया था हिंदू तालिबान का, ये भी 2-2.5 साल पहले की बात है। आज वही बात दोहराई जा रही है बार बार कि किस तरह से हम तालिबानी जो हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको यहाँ पे आरएसएस से तुलना कर दें। और ये क्यों करें? क्योंकि ये लोग चाहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति करना, इनको वोट कैसे मिलेगा मुसलमानों का, तो उनको सही ठहराने के लिए जो आतंकवादी है यहाँ पे आप कहिए कि आरएसएस भी ऐसे ही करता है। और एक बात मैं और कह दूं, सिलसिला के गाने की आपने बात करी तो जावेद जी आपका कार्यक्रम जरूर देख रहे होंगे नाविका जी, मुझे पता है, उनके लिए अर्ज किया है, ये कहां आ गए हम साथ साथ नफरत करते करते, और नफरत किससे? आरएसएस से। नफरत किससे? मोदी जी से। आपको जावेद जी ये याद रखना होगा, आरएसएस वो संगठन है जिसने हर क्षण देश की प्रगति के लिए दिया है। विचारधाराओं में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनकी निष्ठा जो है देश के प्रति, उस पे आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। और एक बात मैं और कह दूं, बस जो बात कह रहे थे हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आचार्य जी आपने कहा आजादी की लड़ाई में कोई हमारा योगदान नहीं रहा आरएसएस का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ये तो कैबिनेट का हिस्सा थे पहली, जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं बिना योगदान के एक योग्य व्यक्ति को ऐसे ही कैबिनेट में ले लिया जवाहरलाल नेहरू ने? मतलब जवाहरलाल नेहरू, जवाब दीजिए प्रमोद कृष्णम जी। तस्लीम रहमानी जी मैं आ रही हूँ आपके पास, प्रमोद कृष्णम जी पहले जवाब दीजिए, गौरव भाटिया ने आप पर इल्जाम लगाया है। देखिए गौरव भाटिया जी का अधिकार बनता है मुझ पर इल्जाम लगाना, और बीजेपी सारे हिंदुस्तानियों पर इल्ज़ाम लगाए तो फिर बीजेपी को कौन रोक सकता है? वो अभी प्रियंका चतुर्वेदी पे भी इल्ज़ाम लगा रहे थे, मुझ पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरा सवाल ये है नाविका जी, और मैंने इस बात को मैं साफ़ कर देना चाहता हूँ, पहली बात कि मैं जावेद सहमत नहीं हूँ, मैं साफ कर देना चाहता हूँ, जबकि आप ये कह रही थी कि आपको हिंदू राष्ट्र बनने से प्रॉब्लम क्या है। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, भारत का एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जब वो आया पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, अंबेडकर, सब लोगों ने मिलकर के एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर भारत ये कभी नहीं कहा। प्रमोद कृष्णन जी मैं लाइट डिटेक्टर टेस्ट ऑन करूंगी, इनका साउंड बाइट, इन्होंने जो कहा था वो साउंड बाइट प्लीज कट किया जाए, रिसर्च टीम को कह रही हूँ लाइट डिटेक्टर टेस्ट ऑन किया जाए। प्रमोद कृष्ण आपने कहा था, आपका एग्जैक्ट वर्ड ये था कि आरएसएस इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है और हिंदू राष्ट्र मानती है। मैंने कब कहा है कि आरएसएस नहीं चाहती? नहीं, मैंने ये कब कहा नाविका जी कि आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं चाहती? मैं तो कह रहा हूँ आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं चाहती, आरएसएस हिंदू राष्ट्र समझती है, मैंने ये कहा था। अब मैं कहना चाहता हूं, गौरव भाटिया जी जो कह रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी की कैबिनेट में थे, ये नेहरू जी की दरियादिली थी, नेहरू जी का बड़प्पन था, लेकिन सरदार पटेल जी ने आरएसएस को बैन किया था, ये भी हिस्ट्री में है।
और आरएसएस को बैन क्यों किया गया था, सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे, तो प्रमोद इस बात पर भी जी, आपको चिंतन करना मैं, चाहिए। मैं इस वक्त मैं गौरव भाटिया जी के आने से पहले कम से कम ये क्लियर करना चाहती हूँ कि आरएसएस ने इस देश में क्या क्या किया है, इसकी एक फेरिस लिस्ट है, संगठन नहीं है, फेरिस लिस्ट है, बाकी आपकी पॉलिटिकल लड़ाई है, लेकिन कम से कम फैक्ट्स मैं बता दूं। 1947 में कश्मीर सीमा पर निगरानी रखी, विभाजन पीड़ितों को आश्रय दिया, ये बात हमें पता हो ना हो, हमारी माताओं को, हमारी नानियों को, हमारी दादियों को पता है, क्योंकि ये कहानी बचपन से हमने सुनी है, क्योंकि हम उस राज्य से आते हैं जिन्होंने पार्टीशन अपनी आंखों से देखा है। मेरी माँ कम से कम 40-45 साल की उम्र तक रोज रात को पसीने पसीने उठती थी, क्योंकि उनको याद आते थे वो मंजर जो उन्होंने पार्टीशन के विभाजन के वक्त में देखा है। तो आरएसएस ने क्या क्या किया, ये कहानियां प्रमोद कृष्णन जी हमने बचपन से सुनी हुई है, कम से कम इस पर आरएसएस को अगर आप कटघरे में ना खड़ा करें तो बेहतर रहेगा। कश्मीर की लड़ाई की, सीमा की रक्षा, 1962, ये सारी चीजें हैं। गुजारिश करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे, ये आप फैक्ट चेक करिए थे, अगर उन्होंने आरएसएस को बैन किया तो क्यों किया था, इस फैक्ट पे भी आइएगा। तो मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि आरएसएस एक तालिबान संगठन है, मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं, आरएसएस को तालिबानी संगठन नहीं कहना चाहिए, मैंने पहले ही साफ कर दिया, लेकिन क्या पंडित नेहरू के प्राइम मिनिस्टरशिप में और सरदार पटेल के गृह मंत्री होते हुए आरएसएस पे जो बैन लगाया गया था वो क्यों लगाया गया था? नाविका जी, मैं आ रही हूँ। गौरव भाटिया, बहुत बहुत मेरी तरफ से गुस्ताखी होगी अगर मैं इस वक्त तस्लीम रहमानी साहब जो आधे घंटे से इंतजार करें, मैं उनकी तरफ ना जाऊं, तो पहले मैं रहमानी साहब से पूछूंगी। रहमानी साहब, आप भी समझते हैं कि आरएसएस बहुत ही तालिबानी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इस देश में हम अपनी शान समझ रहे हैं कि हम इस देश के संगठनों को, इस देश के लोगों को तालिबान से कंपेयर करें? क्या ये भी एक तर्क है अपनी विचारधारा का, कि अगर आपको कोई पसंद ना आए तो उसको कह दीजिए तालिबानी है? नाविका, मैं सबसे पहले अपनी एक फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और मुझे लगा अभी पिछले आधे घंटे में अपने चारों पैनलिस्ट ब्रदरान को सुनते वक्त कि वाकई मैं एक हिंदू राष्ट्र में बैठा हूँ, और इस हिंदू राष्ट्र में मैं बहैसियत मुसलमान बिल्कुल कोने में एक तरफ बैठा हूँ, और मैं मुझे चुपचाप बिठाया गया है और मुझसे कहा गया है कि तुम सुनो कि मुसलमानों को और इस्लाम को हम गाली देंगे और तुम बोल नहीं सकते। गुस्ताखी माफ, बड़े भाई गुस्ताखी माफ, शहजाद पूनावाला भी बैठे हैं यहाँ, क्या आपसे कम मुसलमान है वो? आपसे कम है मुसलमान वो? मेरा ख्याल है कि मेरी तुलना आप शहजाद से अगर आप मेरी तुलना करेंगे तो ये भी मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। पीएफआई के साथ नहीं करना चाहता मैं, अब्दुल कलाम के साथ करूंगा। नारिका, मेरी तुलना पीएफआई के साथ मत कीजिए, और आप तुलना अब्दुल कलाम के साथ कीजिए। रहमानी जी, आपके पास देर से आई हूँ, इसके लिए माफी भी मांगती हूँ, पर इतने सख्त अल्फाज मत यूज करिए मेरी तरफ। मोस्ट वेलकम, बोलिए ना। आप देखिए कि आधे घंटे के बाद मैंने बोलना शुरू किया और डेढ़ मिनट भी नहीं बोला मैं, कि तीन पैनलिस्ट आप और दो पैनलिस्ट मेरे बीच में आ गए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था आज के विषय पे कि टर्मिनोलॉजी, बाइनरीज एंड इम्प्रेशंस और समाज का एक माहौल क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल रखती हैं। इसी तरीके से जब हमारे पास इस्टेब्लिश टर्मिनोलॉजी है तो ये तालिबानी सोच की जो टर्म है, मैंने न कभी आरएसएस के लिए इस्तेमाल किया न किसी और के लिए। मैं इस टर्म से ही एग्री नहीं करता कि इस किस्म की कोई इस्तलाह, कोई टर्म भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप तालिबानी सोच कहते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि 57 मुल्कों में दो सोच चल रही है, तो आप तालिबान को गाली नहीं दे रहे होते, आप इस्लाम को गाली दे रहे होते हैं। आप इस देश, इस दुनिया के तकरीबन 1.8 बिलियन मुसलमानों को गाली दे रहे होते हैं, आप उस नजरिए को, उस अकीदे को और उस सोच को गाली दे रहे होते हैं जिसको इस दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट रहमानी साहब सोच आपकी तंग है। अगर आपकी तंग सोच की वजह से आपको लगता है कि हम पूरे मुस्लिम समुदाय
समुदाय को गाली दे रहे हैं तो सोच आपकी तंग है। मेरा ये कभी, मैं तालिबान को अगर कह रही हूं तो तालिबान को ही कह रही हूं, इस पे इसको आप अगर अपने ऊपर ले लें तो ये आपकी सोच है। प्रॉब्लम ये है कि आपको ये पर्सिक्यूशन और एक विक्टिम कार्ड जो आप अपने जेब में रखते हैं इसको आप हमेशा दिखाते रहते हैं। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कह रही हूं कि मैं जावेद अख्तर की फैन हूं, मुझे उनके संगीत, उनके लिरिक्स से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, और जब तक पार्लियामेंट में थे मिलते थे हमसे, अच्छी तरह बात करते थे, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आप ले लेते हैं 1.8 बिलियन जो आपको नजर आते हैं यहाँ मुसलमान के, अगर हमने तालिबान के खिलाफ कहा तो आपके खिलाफ कहा, क्यों इतनी तंग आपकी सोच? आपने 57 मुल्क, आपके शो में कहा गया कि 57 मुल्कों में तालिबानी सोच है, आप चेक कर लीजिए। प्रियंका चतुर्वेदी जी ने ये कहा था पहले, प्रियंका चतुर्वेदी आप तालिबान को क्रिटिसाइज कीजिए, तालिबान को क्रिटिसाइज कीजिए, उस नाम पे आप इस्लाम और मुसलमानों को नहीं कर सकते। और आरएसएस एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस्लाम की तो किसी ने कट्टर फासिस्ट का टर्म यूज, सॉरी टू से, यहां मैं प्रियंका जी की बिल्कुल तरफदारी करूंगी। उन्होंने कट्टरपंथी चाहे इस्लामिक हो, चाहे हिंदू में हो, चाहे किसी और धर्म में हो, कट्टरपंथियों का विरोध किया है। प्रियंका चतुर्वेदी जी जवाब दीजिए आप रहमानी का। एग्जैक्टली सही है ये बात। मैं आपको एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी, एक मिनट प्लीज रहमानी जी, सबने सुना आपकी बात, मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी। जावेद अख्तर साहब की मैं सिर्फ फैन ही नहीं हूँ, मुझे उनके साथ काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज हैं जो सोशल इश्यूज हैं, जो लोकल इश्यूज हैं, उनके साथ काम करने में समर्थन मिला है और हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं ये भी जानती हूं उनकी सोच इतनी नैरो नहीं होगी कि कोई अगर उनसे डिसएग्री करे तो इस तरीके से आकर कहने लगे कि हमने सारे इस्लामिक धर्म वालों के नेशंस को हमने तालिबानी सोच बता दिया। बिल्कुल गलत रहमानी साहब, बिल्कुल गलत। यहाँ पे किसी ने ये नहीं कहा, एटलीस्ट मैंने तो नहीं सुना, हो सकता है रिपोर्ट पहले आई हो, कुछ अल्लाह हो, पर मैंने नहीं कहा गया। मैं यहाँ पर बस एक चीज कहूंगी, गौरव भाटी ने आज अभी कहा गया इसी प्रोग्राम में कहा गया तो मैं उसका भी खंडन करूंगी, पर मैं यहाँ पर बस मेरी प्रॉब्लम वो एक सेकेंड सर एक थॉट प्रोसेस होता है, एक थॉट प्रोसेस अगर फंडामेंटलिस्ट हो नेचर में, जहां पे वो सबको नकार कर अपने आप को ही ऊपर करना चाहता है, दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन टू बी इन। अब पाकिस्तान को देख लीजिए, अब आप अफगानिस्तान को देख लीजिए, कट्टरपंथियों का विरोध किया है, किसी ने इस्लाम का विरोध नहीं किया। पर ये शहजाद पूनावाला 30 seconds टू यू, आई नीड टू टेक अ ब्रेक, 30 seconds में जवाब दीजिए आप रहमानी साहब को। नाविका, विडंबना की बात देखिए कि जो लोग हर विषय पर हिंदू आतंकवादी और हिंदू लिंचर कहते हैं, आज तालिबानी को तालिबानी कहा तो कहते इस्लाम खतरे में आ गया, ये डर का माहौल आ गया, और कहते हैं कि भारतीय के मुसलमानों को भी भारत ले आओ, फिर भी कहते हैं कि मुझे हिंदू राष्ट्र में हूं ऐसा महसूस हो रहा है। ये उनका दोहरा मापदंड। और मैं फिर से अपील करूंगा मेरी बहन प्रियंका चतुर्वेदी से कि गिरफ्तार क्यों नहीं करते जावेद अख्तर से। आपने अभी बताया कि हिंदुओं की आस्था को आहत पहुंचाया है, उन्होंने आहत किया है, तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इसका जवाब नहीं आया। सवाल पूछा है शहजाद पूनावा, ये है कि आरएसएस की तुलना तालिबान से करना कितना सही है। मैं जावेद अख्तर का बहुत बड़ा फैन था, पर आरएसएस से तालिबान की तुलना करने पर देश की जनता बहुत आहत है, ऐसे में क्यों कोई उन्हें एक पब्लिक आइडल के रूप में देखेगा। रहमानी साहब, आज लोग ये पूछ रहे हैं कि जावेद अख्तर का सब सम्मान करते हैं, सबके पसंदीदा कलाकार हैं, फनकार हैं, लेकिन ऐसा जो उन्होंने वक्तव्य दिया है इसके बाद इस देश के लोग उन्हें क्यों पसंद करें, आप जवाब दीजिए। 45 seconds है आपके पास, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगी पब्लिक के सवाल का जवाब। देखिए, तालिबान अफगानिस्तान की सोच है और अफगानिस्तान में वो रहे हैं और अब वहाँ रूल में आ गए हैं, वो अफगानिस्तान तक उनको महदूद रखना चाहिए। हमारे देश में, मैं ख़ास तौर पर अपने ही देश की बात करता हूँ, दुनिया में कहीं भी हो, पर्टिकुलरली अपने देश में अगर किसी को भी तालिबानी सोच कहा जाता है तो ये बिल्कुल गलत है, चाहे वो
जावेद अख्तर साहब किसी को कहें या मैं कहूं या आप कहें, कोई भी कहे, हमको अपने देश में देखना है हमारे देश में क्या हो रहा है और हमारे देश की जो सोच है वो किस किस्म की है। इसलिए मैं इसे अप्रूव नहीं करता। मैंने कहा कि एक हमारे एक एस्टैब्लिश्ड टर्मिनोलॉजी है, हम उन्हीं टर्म्स में बात करते रहे और ये फैक्ट है। कोई भी अगर कहे कि आरएसएस एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये तो इस देश में एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन आप उसको तालिबान कह देंगे तो एक गैर मुल्की टर्म को आप अपने देश में लाके गलत काम कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इस पर बहस, मैंने एक बात हमेशा कही, हम मुखालिफ है एक दूसरे के, दुश्मन नहीं है, और इसमें फर्क करना चाहिए मुखालफत में और दुश्मनी। तो हम आरएसएस के मुखालिफ है। इतना हृदय परिवर्तन पब्लिक का सवाल आते ही, रहमानी साहब आपने तो मेरी क्लास ले ली थी, आपने तो मेरी क्लास ले ली थी अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन एक सवाल और है मुरली लाल का महाराष्ट्र से, और ये सवाल है प्रमोद कृष्णम जी के लिए। उनका कहना यह, और ध्यान से सुनिएगा, ये पब्लिक का सेंटिमेंट है, मेरा सवाल नहीं है, पर मुरली लाल जी हैं, इन्होंने ट्विटर पे ये सवाल पूछा है। कांग्रेस के प्रमोद जी ने कहा है कि देश की आजादी के वक्त आरएसएस कहीं नहीं था, तो मैं ये पूछना चाहता हूं आप कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने देश को आजाद नहीं करवाया था, बल्कि टुकड़े करवा दिए थे धर्म के आधार पर, दो तरफ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। मुरारी लाल जी का आपकी तरफ ये सवाल है, क्या जवाब देंगे? 45 सेकंड है आपके पास। नाविका जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी तरह का फैनेटिज्म सेपरेटिज्म को जन्म देता है और सेपरेटिज्म टेररिज्म में तब्दील हो जाता है। रहमानी साहब ने भी आखिर ये बात मानी है कि हमारे देश का मसला जो है वो दूसरा है, तालिबान देश के बाहर की बात है, तो हिंदुस्तान के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तालिबान से जोड़ना ठीक नहीं है। बिल्कुल रहमानी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया और ये बात कही। लेकिन एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि बीजेपी के तमाम प्रवक्ता और नेता टेलीविजन पर रोज़ हिंदुस्तान के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को तालिबानी फिर क्यों कहते हैं? यहाँ तक के रहमानी साहब को भी तालिबानी कई बार कहते सुना गया है आदरणीय प्रवक्ताओं के द्वारा। गौरव भाटिया जी की भी पिछली डिबेट निकालोगे तो पता चल जाएगा। अब सवाल है मुरारी लाल जी का कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई, देश के टुकड़े। भाई, महात्मा गांधी की नेतृत्व में, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हम सब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और उस समय की क्या परिस्थितियां थीं। देश के टुकड़े होने का दर्द मुझे भी बहुत है, मैंने भी जब इतिहास पढ़ा तो मुझे भी बड़ा कष्ट होता है, लेकिन उस समय के क्या हालात थे और क्या मजबूरियां थीं कि अंग्रेज़ों से लड़ें या आपस में लड़ाई लड़ें। इसलिए मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी के फैसले पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। जो हुआ वो अतीत है, लेकिन आरएसएस के मामले में अतीत रोज दोहराया जाएगा कि उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी। गौरव भाटिया, प्रमोद कृष्णम जी बड़ी अपने हिसाब से, जैसे कहते हैं ना कि टेलर मेड जवाब ढूंढ लेते हैं कि अतीत था, विभाजन के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। नाविका जी, आप तो मुझ पर हमला मत करो, बीजेपी मुझ पर हमला करे तो ठीक है। ये हमला नहीं है जी, ये मुरारी लाल जी का जो है कमाल है। आप ही ने कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 1947 अतीत में है। गौरव भाटिया जी, आप प्रहार करिए, आपको लाइसेंस है, मुझे नहीं। इतिहास है नाविका जी, मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास के पन्नों में अंकित है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। नाविका जी, कांग्रेस के ऊपर इतिहास को बदल नहीं रहा नाविका जी। कांग्रेस के ऊपर हम क्या प्रहार करेंगे? हम मरे हुए के ऊपर प्रहार नहीं करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, आज की डिबेट का सबसे बड़ा झोल, आपने देखा तस्लीम रहमानी जी ने कैसे कहा कि कोई नहीं कहे, तालिबान सोच के खिलाफ कुछ नहीं बोला जाना चाहिए, कोई तुलना। मालूम है क्यों? मैं आपको इनका एक ट्वीट पढ़ता हूं। इनकी सोच ये थी, 1400 साल से जिसने आक्रमण किया है हमसे, वो हमसे जीत नहीं सकता। मतलब तस्लीम रहमानी, हम भारत के साथ नहीं है। इंग्लिश में पढ़िए, प्लीज मैं एक्चुअल ट्वीट पढ़ता हूँ। सुनिए सारे दर्शक, सुनिए नाविका जी, सुनिए, ये इनका ट्वीट है, देखिए पूरा पढ़िएगा। रूइंड, पूरा पढ़ रहा हूँ भैया जी, पूरा पढ़ूंगा। शुरू से पढ़िए, पूरा पढ़ूंगा। सुनिए, जेडब्ल्यू बुश से पढ़िए। अच्छा चलिए, वो भी पढ़ रहे तो एक लाइन और है। चलिए, इन 2001 जेडब्ल्यू बुश सेड इट्स अ क्रूसेड अगेंस्ट अफगानिस्तान, दे केम, दे बॉम्ब,
They're ruined for 20 years. But a crusader is always defeated. For last 1400 years, history repeated without firing even a bullet. Yes. They will never succeed. Whatever nasty world speaks about us, आप तालिबान हो, ये आपने माना अपने ट्वीट में, और इसीलिए आज तालिबान के खिलाफ ये सुन नहीं पा रहे। दूसरी बात, आचार्य जी, मैं केवल आपसे एक ही बात कहूंगा, आप राहुल गांधी को गलत ठहरा रहे हैं नाविका जी के कार्यक्रम में, मैं आपको बधाई देता हूं। ये राहुल गांधी और शशि थरूर हैं जिन्होंने कहा हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान, हिंदू टेरर। आज आपने उनकी आलोचना करी, भर्त्सना करी, मैं समझता हूं आप मुबारकबाद के पात्र हैं। रहमानी जी, जवाब देना चाहेंगे? देखिए नाविका, अगर ये मुझे तालिबान कहेंगे और फिर जावेद अख्तर और या फिर कोई और साहब आरएसएस को तालिबान कह दे, तो ये सिलसिला कभी भी रुकने वाला नहीं है। मतलब क्या? कभी नहीं रुकने, मैंने नहीं कहा, आप अपने अपने हिसाब से भी नहीं, मैं नहीं, सबसे पहले आप ये देखिए, मैंने क्रूसेड, क्या बुश ने क्रूसेड नहीं किया था? क्या बुश ने क्रूसेड नहीं किया? क्या झूठ है? आप चलाइए लाइट डिटेक्टर, आप चलाइए 7 अक्टूबर 2001 को, क्या बुश ने नहीं कहा कि ये क्रूसेड है? और क्रूसेड का मतलब क्या जिहाद नहीं होता है? बताइए, क्या क्रूसेडर जलील होके नहीं गया? क्या क्रूसेडर जलील होके नहीं गया? और क्या हमेशा क्रूसेडर जलील नहीं हुए? और क्रूसेड का हमेशा इल्जाम जलालत होगा, हर क्रूसेडर जलील होगा, हर क्रूसेडर, हाँ वो भी जो कोई क्रूसेड करेगा जलील होगा, जो जैसे जेडब्ल्यू बुश हुए, कौन जलील हो रहा है? क्रूसेड कर रहे, कौन जलील हो रहा है? सईद सलाउद्दीन फातिया पढ़ रहे हैं गिलानी साहब का, वही गिलानी साहब जिनको आप रोज आधा पर कहते थे, वही गिलानी साहब जिनकी वजह से आप रोज नई दिल्ली की सरकार से लड़ते थे। लेकिन आज मैं दिखाना चाहती हूं आपको कि इस वक्त जब हम जावेद अख्तर साहब की बात के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, वहां मोहन भागवत जी, सरसंघचालक जी, मिल रहे हैं मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से, और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से मुंबई में मिल रहे हैं, जो शिवसेना कांग्रेस की सरकार जहां पर है, और वो मुसलमान लोग, पता नहीं, मैं इन्हें कह रही हूं मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स, इन्होंने बाहर आके आरएसएस के बारे में क्या कहा, आप सुन लीजिए। ये हैं अजहर मोमिन, सुन लीजिए इन्होंने क्या कहा। अब तालिबान से कंपेयर करना, एक्चुअली वो लोगों के पास अभी कोई न्यूज नहीं है, तो तालिबान को ही लोग बोल रहे हैं कि भाई तालिबान है, ये है, वो है, अपनी न्यूज बना रहे हैं सब लोग। अब उन्होंने देखो, बात जो हुई है वो ये है कि पूर्वज हमारे कोई भी हो, लेकिन जो हमारे अंदर जो रूह है वो एक है, तो रूह की बेस के ऊपर किसी को बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि समाज हमारा एक ही है, उसमें मुस्लिम्स भी हैं, उसमें हिंदू भी है, और उसमें मुख्तलिफ जाति के लोग भी है, अलग अलग जो है विभिन्न तरीके के जो है मजाहिब के लोग हैं, तो ये हमारी जो है ना इंडिया की खासियत है। और उन्होंने ये बात भी कही कि जितने ज़्यादा जो लोग होंगे उतनी ज़्यादा विभिन्नता जितनी होगी उतना ज़्यादा हम उतनी तरक्की करेंगे। ये भी सोच वहां पर जताई गई रहमानी साहब, मोहन भागवत जी द्वारा, के रूह हमारी एक है, हम धर्म हमारे मुख्तलिफ होंगे। प्रबोध कृष्णन जी, देखिए मेरा एक इंटरेक्शन हो चुका है मोहन भागवत जी से 5 साल 6 साल पहले, आज तक उन्होंने उन सवालों को एड्रेस नहीं किया। जी प्रमोद जी, नाविका जी, मैं गौरव भाटिया जी से एक सवाल बस छोटा सा करना चाहता हूं कि आरएसएस को तालिबानी संगठन कहना बिल्कुल गलत है, हम सब ने भी यही कहा, लेकिन क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को या उनकी ऑर्गेनाइजेशन को या रहमानी साहब को तालिबानी कहना ठीक है? ये गौरव भाटिया जी बताएं। ये तालिबान वाली बात वो रहमानी साहब का ही ट्वीट पढ़ रहे थे, वो इस्लाम का चेहरा उसे ना समझा जाए, रहमानी साहब का ट्वीट पढ़ रहे थे गौरव भाटिया जी, वो ठीक है। मैं आचार्य जी आपसे बिल्कुल हाँ नहीं, गौरव भाटिया जी, मैं एक बात और मैं कहना चाहता हूँ नाविका जी, पूरी दुनिया में समय समय इजाजत नहीं दे रहा, समय इजाजत नहीं दे रहा, हम और आप कयामत तक ये इशू डिस्कस डिबेट कर सकते हैं, लेकिन कहा इसमें सिर्फ यही जा सकता है कि हम एक दूसरे को समझने की बजाय हम राजनीतिक लेवल पर सोचना शुरू कर देते हैं, और जहां राजनीति आ जाती है वहीं पर
हमारे बीच दीवारें खड़ी हो जाती हैं। यही है मेरा कहना। मैं समझती हूँ